इस वर्ष जून महीने में हैदराबाद के नामपल्ली के एग्जीबिशन मैदान पर मछली प्रसाद वितरण होने वाला है। मछली प्रसाद वितरण होते समय पूरे भारत से कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि मछली की दवा कौन ले सकता है, मछली की दवा किसके लिए लेना ठीक नहीं होगा, किसके लिए यह दवा प्रोहिबिटेड है यानी कि प्रतिबंधात्मक है, और यह दवा पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, जैसे कि क्या कोई रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। इन प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। ये वीडियो अंत तक देखिए। अपना YouTube चैनल अधिक जानकारी हेतु जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस वीडियो में जानिए मछली की दवा कौन ले सकता है, मछली प्रसाद किसको नहीं लेना चाहिए, और तीसरा रजिस्ट्रेशन होता है या सिर्फ क्यू में आना होगा, इसकी जानकारी आप लीजिए। बैठने हरिनाथ गौड़ परिवार की ओर से दी जाने वाली मछली की दवा अस्थमा पीड़ितों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। हैदराबाद के नामपल्ली में 3 वर्ष के ऊपर के सभी बच्चों को प्रसाद आसानी से मिलता है। जिनकी उम्र 3 वर्ष से कम है उनको प्रसाद नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, सभी लोग जिनकी उम्र 3 वर्ष के ऊपर है वे सभी मछली प्रसाद ले सकते हैं और अस्थमा से मुक्ति पा सकते हैं। ऐसे कौन है जिन्होंने प्रसाद नहीं लेना चाहिए? उनमें जो बीमारी से बहुत अधिक गंभीर स्वरूप में है, जो औरतें प्रेग्नेंट है उन्हें यह दवा नहीं लेनी चाहिए। एग्जीबिशन मैदान पर प्रसाद पाने हेतु सभी को आते समय 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो गंभीर बीमारी से बीमार है और जिनकी हालत गंभीर है वे प्रसाद ना ले, और जो औरतें प्रेग्नेंट है उन्होंने प्रसाद नहीं लेना चाहिए। मछली प्रसाद प्राप्त करने हेतु आते समय कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती। आप सभी को क्यू में आना होगा यानी कि लाइन में आना होगा। जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ेगी, क्यू आगे बढ़ेगा, आपको उसी हिसाब से प्रसाद मिलेगा। सभी से नम्र निवेदन है, एक ही समय पर भीड़ मत कीजिए, अनुशासन का पालन कीजिए, बारी बारी से मैदान पर आकर प्रसाद प्राप्त कीजिए। दोस्तों, इस मछली प्रसाद के बारे में आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अधिक जानकारी हेतु और सभी वीडियोस प्राप्त करने हेतु अपना यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जून महीने में मृगशिरा कार्तिक के प्रथम दिवस के अवसर पर नामपल्ली के एग्जीबिशन मैदान पर मछली प्रसाद वितरण होगा। सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।